स्कारलेट मकाओ दुनिया के सबसे बड़े तोते हैं। सर्ख रंग के मकाओ का जिस्म चोंच से दम तक 33 इंच तक लंबा हो सकता है। इस खूबसूरत मकाओ का एक करीमी सफेद तकरीबन बगैर पंखों वाला चेहरा है, जिसमें चमकदार सर्ख रंग का रंग इसके जिस्म, परों और लंबी दम को ढांपता है। शानदार नीले और पीले पंख भी नचले परों को सजाते हैं। परिंदे की मजबूत चोंच बारिश के जंगल में पाए जाने वाले सख्त गरीदार मीवे को तोड़ने के लिए ढाल ली जाती है। सर्ख रंग का मकाओ जनौबी मेक्सिको से पीरो के साथ साथ बोलीविया, मुशरकी ब्राजील और टरिनिडाड के जजीरे तक पाया जा सकता है। वो अपना वक्त जंगलों और नदियों के करीब लंबे लंबे परंपरे दरख्तों में गुजारना पसंद करते हैं, आमतौर पर बड़े शौर वाले गर्वों में। मकाओ भी जिंदगी के लिए साथ देते हैं, जनवरी से अप्रैल तक मर्दा छतरी के दरख्तों के सौराखों में घोंसले बनाते हैं। जोड़े हुए बालग अफराद हर साल 2 अंडे देते हैं और एक दूसरे को और उनकी औलाद को घंटों तक अपने परों से कीड़े साफ करते हैं। गरीदार मीवे पते बीर और बरसाती जंगल के बीज सर्ख रंग के मकाओ की खुराक का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसकी मजबूत झकी हुई चोंच गरी दार मीवे और बीज तोड़ने के लिए बेहतरीन है। दिलचस्प बात यह है कि सर्ख रंग का मकाओ दूसरे जानवरों को मारने के लिए काफी जहरीले फल खा सकता है। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो बड़ी मकदार में मिट्टी भी खाते हैं, जिसके बारे में सोचा जाता है कि पौधों के जहरों को बेअसर कर देते हैं। सर्ख रंग के मकाओ को बुनियादी खतरात बरसाती जंगलात की तबाही और पालतू जानवरों की तजारत के लिए भारी इस्तेहसाल से रहाइश गाह का नुकसान है। कोस्टा रिका में ये परिंदे जो अक्सर अपने घोंसलों से चोरी हो जाते हैं, ब्लैक मार्केट में 200 में फरोख्त किए जा सकते हैं। Thank you.